न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी से जुड़े नेताओं का जमावड़ा लगा, जिसमें पश्चिमी यूपी के बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन नरेंद्र भाटी के फार्म हाउस पर किया गया, जहां बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा भी शामिल हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्र भाटी ने बसपा को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। नरेंद्र भाटी के भाई भी काफी समय से बीजेपी के साथ ही हैं। वहीं सम्मान समारोह को लेकर नरेंद्र भाटी ने कहा कि उन्होंने वो अब अपना पूरा जीवन बीजेपी को समर्पित करने का मन बना चुके हैं। तो आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में मौजूद दिग्गज नेताओं ने क्या कुछ कहा। सर, आज इस तरीके से सत्येंद्र सिसोदिया जी के सम्मान समारोह आप पहुंचे, इस सम्मान समारोह से आप क्या देना चाहते हैं या लोगों को क्या कहना चाहते हैं? पार्टी का देखिए संगठन का काम है और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने इतिहास लिखा है। ज्वाइन करने के बाद हमारे जिला पंचायतों के निकाय चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने करी है। पार्टी के कार्यकर्ता उनका सम्मान करना चाहते थे, वह कार्य आज पूरा। सर, क्या माना जाए कि नरेंद्र भाटी को इसमें कुछ पार्टी ज्वाइन की है, क्या उनको कुछ बड़ा पद मिल सकता है? नरेंद्र भाटी आए हैं, पार्टी का परिवार बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है, समय आने पर वो सम्मान भी उन्हें दिया जाएगा। सर, घोषित चुनाव हुआ जिस तरीके से उनमें बीजेपी करारी हार हुई, जिसको लेकर इंडिया जो गठबंधन है वो लगातार कह रहा है कि ये बीजेपी की हार नहीं हुई, बीजेपी के अहंकार की हार हुई है। देखिए, वो सीट बदलती हुई सीट रही थी, कभी उसमें समाजवादी पार्टी भी जीती थी, बीजेपी भी जीती थी, और हार जीत पार्टी का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है। तो मैं समझता हूँ इससे किसी भी तरह के राजनीति, लेकिन बाकी जगह पर मैंने अभी जिसको चेतावनी को सुनाया, त्रिपुरा जैसी जगह पर जहाँ 63% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर वो सीट भी तो हम जीते हैं। तो आप इसे घोसी के चुनाव को इस तरह से हार जीत, हमारी पार्टी एक संगठित पार्टी है, संस्कारित पार्टी है और कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। हम चुनाव लड़ते रहते हैं, हार जीत की परवाह नहीं कर आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन सर, अखिलेश यादव जिस तरीके से कहते हैं कि ये घोसी उपचुनाव से तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन 2024 में अपनी सरकार बनाएगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं सुखाड़ कर फेंकेगा। अखिलेश यादव को विधानसभा चुनाव में अपनी हैसियत नजर आ गई थी। अखिलेश यादव जी, आप पूरा चुनाव लड़े थे, पूरी कोशिश से लड़े थे और कहाँ रहे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। सर, जिस तरीके से आज आप यहाँ उपस्थित हुए आज, और इसमें मेरा माटी मेरा गांव के तहत एक मटकी मनाई गई, तो आप इस पूरे कार्यक्रम लेकर किस तरीके से देखते हैं? मेरी माटी मेरा देश, ये भावनाओं का विषय है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस भावना को पहचाना है और उन्होंने हर घर से माटी लेकर देश में एक नई बयार शुरू की है। ये भावना का विषय इसलिए है कि हम भारतवासी अपने दिन की शुरुआत धरती माँ को नमन करके करते हैं, उसी माटी को एकत्रित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने कराया है। हम सभी कार्यकर्ता हर घर जाएंगे, उस घर से एक चुटकी माटी लेंगे और उस माटी का संग्रह करके देश के प्रधानमंत्री जी ने जो तय किया है, एक दिल्ली में वाटिका बनेगी, उस वाटिका में उस मिट्टी को। सर, जिस तरीके से आज सम्मान समारोह हुआ, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए, तो क्या इसमें नरेंद्र भाटी जी को आगे चल के पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? निश्चित रूप से, नरेंद्र भाटी पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी में उनका सम्मान है, काम मिलेगा निश्चित रूप से। सर, आप क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो 2024 चुनाव को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं उसको? जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना और इंडिया लगातार कहती है जिससे घोषित उपचुनाव हुआ उसमें उनकी विजय हुई, सपा पार्टी वहाँ जीती और वो कहता कि हमने कहीं कहीं बीजेपी का अहंकार तोड़ा है। मैं इतना कहूँगा कि वे घोषी की जीत से उत्साहित हो लें, उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलने वाला है, 80 की 80 लोकसभा भाजपा जीतेगी। अच्छा सर, 2024 चुनाव में क्या माना जा सकता है कि नरेंद्र भाटी जी को जिम्मेदारी को मिल सकती है पार्टी की तरफ? निश्चित रूप से काम मिलेगा। जिस तरीके से आज यहाँ पे सब लोग उपस्थित रहे, उसके बाद बड़ा प्रोग्राम आपके हिसाब से किया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लोगों का प्यार था कि हमारे पश्चिम के क्षेत्रीय अध्यक्ष जी आए, उसके बारिश के बावजूद भी लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, तो ये लोगों के हमारे प्रति प्रेम है। तो निश्चित रूप से लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल कराया। तो जिस तरीके से क्षेत्रीय अध्यक्ष जी भी कह रहे हैं, माननीय सांसद जी ने भी कहा कि नरेंद्र जी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी पार्टी में, तो कितना आश्वस्त है? मैं एक पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना चाहता हूँ और हमेशा एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर ही पार्टी के लिए काम करूँगा। गौतम बुद्ध नगर की महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आने वाले चुनाव में आप किस तरीके से देखती हैं? जिस तरीके से G20 समिट हुआ, इसमें पूरे विश्व के जो बड़े नेता थे सब उसमें शामिल हुए, तो और जिस तरीके से लगातार विपक्ष यह सवाल उठाता रहता है कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं का सम्मान नहीं हो पा रहा है या महिलाएं उतना निकल कर सामने नहीं आ पा रही हैं। जी नमस्कार, मैं रजनी तोमर, जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा गौतम बुद्ध नगर।
महिलाओं की सुरक्षा तो सर्वप्रथम है हमारे सरकार की, और क्या बोलते हैं कि जैसे यहाँ पे बहनें इतनी सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि हम सभी बहनें सुरक्षित हैं, अब बाहर आ जा रही हैं तो बेधड़क हम कहीं भी जा सकती है, कोई डर नहीं है किसी भी प्रकार का। और रही विपक्ष, विपक्ष तो बौखलाया हुआ है कि पूरे विश्व में हमारे भारत का डंका बज रहा है, वो भी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण। प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छे काम किए कि उनको कोई इससे मतलब नहीं है कि वो अपना परिवारवाद आगे बढ़ा रहे हों, वो अपना देश आगे बढ़ा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हैं हम सभी बहनें। और 2024 का जो हमारा मिशन है, डेफिनेटली हमारे प्रधानमंत्री जी ही आएंगे और वही जीतेंगे। तो मैम, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा रहता है विपक्ष का कि जब स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, जब इनकी सरकार नहीं थी, तो वो महिलाओं के सम्मान के लिए बात करती थी, महिलाओं की जो गैस सिलेंडर उसकी बात करती थी। आज बीजेपी की सरकार में अगर गैस सिलेंडर के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी बचती हुई नजर आती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी रक्षाबंधन भी अभी गया है, ये पावन पर्व, तो आपने अभी देखा होगा और सुना होगा कि 200 रुपये सिलेंडर पर कम हुए, सभी बहनों को ये अच्छी सौगात मिली है रक्षाबंधन पर। ये कौन सोच रहा है, सुरक्षा कौन दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो कहाँ पे माननीय हमारी स्मृति ईरानी जी बच रही है। नहीं, वो तो हम बहनों के साथ खड़ी है, और सभी प्रकार से वो आश्वासन जो देती हैं कि बहनों की के सुरक्षा में कभी कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मैं सभी से निवेदन करता हूं, सारे लोग इधर आ जाइए। सबसे पहले इस स्वागत समारोह कार्यक्रम में उपस्थित जिनके लिए हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है, पश्चिमी क्षेत्र के बहुत मेहनती निष्ठावान क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, उन्हीं के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री गौतम बुद्ध को लोकसभा से दो बार सांसद रहे डॉक्टर महेश शर्मा जी, बड़े भाई और गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष विजय भाटी जी, पश्चिमी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निशादास पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बड़े भाई वीरेंद्र लाडा जी, देवा भाटी जी, पश्चिमी क्षेत्र अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बड़े भाई जावेद मलिक जी, बड़े भाई योगेंद्र चौधरी जी, मंडल अध्यक्ष जगदीप नागर जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती रजनी तोमर जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मेरे बड़े भाई श्री अशोक नागर जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला अध्यक्ष बड़े भाई, जिला उपाध्यक्ष सेवानंद शर्मा जी, सुनील भाटी जी, श्रीमती बेवन नागर जी, राहुल पंडित जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई सत्येंद्र नागर जी। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए दो तीन बातें मैं कहना चाहता हूं, दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपके धैर्य को, सब्र को सलाम करता हूं। सुबह से बारिश हो रही थी माननीय मंत्री जी, बहुत लोगों के फोन मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा क्या कार्यक्रम आपने रद्द कर दिया है। मैंने कहा एक कार्यक्रम रद्द नहीं है, सारे लोग आप इतनी बारिश में आए और डटे रहे, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं दो तीन बातें करना चाहता हूं माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी के बारे में। पहचान मैंने की थी, मैं उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज जिस परिवार के आमंत्रण पर भाई सत्येंद्र सिसोदिया इस माटी के लाल, जिसने क्षेत्र का सम्मान ऊंचा किया है, भाई वीरेंद्र डाढ़ा जी और भाई नरेंद्र डाढ़ा जी, लगभग 30 वर्षों से अधिक का मेरा इस परिवार से संबंध रहा है। राजनीति में ये कहीं भी रहे हो, लेकिन एक परिवार भाव का संबंध, एक भाईचारे का संबंध, एक दोस्ती का संबंध इस परिवार से मेरा घनिष्ठता का रहा है, छोटा मोटा भी नहीं। धन्यवाद भाई नरेंद्र जी, जब नरेंद्र भाई ने कहा कि मैं इस माटी के लाल सत्येंद्र सिसोदिया जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, और भी क्षेत्र के मौजूद लोग भी होंगे, और एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहता हूं,
आज सवेरे चिंता हो गई थी बारिश देखकर। साथियों, एक बहुत छोटा सा शब्द हम लगा देते हैं, इस माटी का लाल सत्येंद्र सिसोदिया क्षेत्रीय अध्यक्ष, अगर उसकी परिभाषा, अगर उसकी पूरी संरचना हम बताएंगे तो हमें लगेगा कि अपना जिसका सम्मान हमने किया है उसने इस क्षेत्र का सम्मान ऊंचा किया है। चौदह लोकसभा, जिस क्षेत्रीय अध्यक्ष के नीचे जो मैं लड़ाई लड़ रहा था, उम्र में तो उससे काफी बूढ़ा हूं, लेकिन पद, जिस पद पर मेरी पार्टी संस्कारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भाई वीरेंद्र डाड़ा और नरेंद्र डाड़ा में ये संस्कार मैं 30 सालों से देख रहा हूं। मैं कहता था वीरेंद्र भाई से कई बार जब हंसी मजाक में, मैंने कहा जिस संस्कारों की पूंजी आप लिए बैठे हो वह बीजेपी के सिवा और कहीं नहीं है, और अब अपने घर में हम सब वापस हैं। तो साथियों, जिस क्षेत्रीय अध्यक्ष पद की मैं परिभाषा बता रहा था, 14 लोकसभा सदस्य मेरे जैसे 14 सांसदों को टिकट बांट के उनको जिताने और उनको संचालित करने की जिम्मेदारी भाई सत्येंद्र सिसोदिया की है। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से पधारे हमारे लोकसभा के सम्मानित सांसद, पूर्व में केंद्र सरकार में मंत्री रहे और ऐसे प्रदेश के प्रभारी जिनके नेतृत्व में वहां पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 7 सीटों पर उपचुनाव था। यदि 100% किसी प्रदेश में जीत का रिकॉर्ड रहा है तो वो त्रिपुरा है। मैं आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी को उसके लिए बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान पार्टी, कहूंगा मैं तो, भले ही वो दूसरे दल में रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया, किसी भी दल में रहे हों, लेकिन उनकी शालीनता और लोगों के प्रति सम्मान करने की आदत, ऐसे आदरणीय वीरेंद्र डाड़ा जी, जेवर से चुनाव लड़े और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले, इस कार्यक्रम के आयोजक जिन्होंने मुझे भी आप सबके मध्य आकर आपका आशीर्वाद लेने का अवसर दिया, ऐसे छोटे भाई नरेंद्र डाड़ा जी, पार्टी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष जिनके साथ मुझे भी लगातार काम करने का अवसर रहा, ऐसे आदरणीय विजय भाटी जी, पूर्व में नोएडा के अध्यक्ष रहे, पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय योगेंद्र चौधरी जी, पश्चिम क्षेत्र के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद मलिक जी, मंच पर विराजमान पार्टी के सम्मानित नेता आदरणीय अशोक नागर जी, मेरे अभिन्न मित्र